आम आदमी पार्टी की पंजाब दे विच पूर्ण बहुमत सर दे नाल सरकार बनन तो बाद अज भगवंत मान की टीम दे विच 10 कैबिनेट मंत्रियों का वाधा हो गया। इन्हां 10 कैबिनेट मंत्रियों दे विच मानसा तो डॉक्टर विजय सिंगला नूं शामिल किया गया। मानसा दे विच अज खुशी का माहौल है, रंग खेडे जा रहे हैं, लड्डू वंडे जा रहे हैं। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो जिहड़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर के वर्कर ने खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे का लड्डुआ के नाल मूँह मिठा करवा रहे हैं, क्योंकि मानसा के पहली बार मानसा जिहड़ा कैबिनेट मंत्री नसीब होया, क्योंकि मानसा हर बार एक बैकवर्ड एरिया कहा जाता सी, ते लोगों के इस लेके भी खुशी है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जिहड़ा मानसा तो बैकवर्ड एरिया का जिहड़ा धब्बा गा वह तो लाया जाऊगा। जिथे गल की जाए मानसा दे तिन्ने विधानसभा हलकों के आम आदमी पार्टी की वड्डी जित हुई है। अज कैबिनेट मंत्री का अहुदा मिलन ते जिहड़ी खुशी होर भी दुगनी हो गई है। वर्कर मौजूद ने साडे नाल, हरशरण जी की कहोगे जिहड़ा डॉक्टर विजय सिंगला ने वड्डे मार्जन के नाल जितता प्राप्त की, अज जिहड़ा कैबिनेट के भी अहुदा मिल गया? सर पहली गल तो असं धन्यवाद करांगे सारे वोटर का जिन्होंने कि आपका विश्वास है, तो जिस दे नाल डॉक्टर साहब नूं साहब है जिहड़े कि मंत्रीमंडल के शामिल हो भगवंत मान का जिन्होंने यदि आपका सेविक तौर पर काम करने वाले ने। सो असं उम्मीद करते हैं भी अगे तो मानसा शहर दियां भी कुरीतियां जिहड़े भी कोई जगहों पर काम करने वाले पे जां सुविधा विचों मानसा पिछड़ा गिणिया गया वो हौली हौली करके सारियां ही क्लीयर हो जाणगियां। मानसा भी जिवें कि पढ़ाई के खेत्र बहुत अगे आ जां सभ्याचार दे विच अगे आ, उवें ही मानसा हुण अपनी जिहड़ी लीड आ उह हौली हौली अगे लैके आऊगा जी। बदलाव आपां सोचदे हुंदे सी बदलाव कित्थों आऊगा, सर बदलाव है जिहड़ा कि उह शुरू हो गया। इत्थों ही पता लगदा कि जिहड़े कदे मंत्रीमंडल दे विच जिहड़े एरिया दा नाम भी नहीं सी आया उहनां च मंत्रीमंडल दे विच रख के भगवंत मान ने जिहड़ा बदलाव है उहदी लहर चला दित्ती। मानसा हल्के दे लोकां दे लई अज इह जिहड़ा लड्डू आ किन्ना कु मिठा हो चुका है? सर बहुत मिठा जी, तुसीं दस सकदे हो जिन्नी कु मिठास तुसीं लड्डू दी खा के सभ ने देखिया कोई नहीं कह सकता, तो यह उस तो भी ज़्यादा मिठास वाला तां हो रहा क्योंकि साडी मेहनत नूं फल लग रहे हैं जी। जिहड़ी असीं मेहनत की साडी सारयां दी मेहनत है जिहड़ी कि असीं अज आपदे मतलब कि MLA साहब नूं कैबिनेट दे विच देख रहे हैं। कीर्ति मानसा दीआं किन्नीआं कि जिहड़ीआं वड्डीआं समस्यावां ने जिहड़ीआं हुण तुहानूं लगदा वी हल हो जाणगीआं? देखो जी मानसा दे विच समस्या तां बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि रवायती पार्टियां ने इत्थे कुछ कीता कोई नहीं। पहला जिवें ला लो वी पशुआं दा जिहड़ा है उहदी समस्या बहुत वड्डी है, जिहड़ा पानी की निकासी की बहुत वड्डी समस्या हैगी, टोबे की मेन समस्या अपने मानसा भाई गुरदास दी वो हैगी है, और यह सारिया जिहड़ियां समस्यावां ने बहुत जल्दी हल होण वालियां ने, क्योंकि सानूं पूर्ण विश्वास हैगा, विश्वास भी दिवाउंदे आ जो वादे कीते होए आ असीं समाज नाल उह वादे पूरे करने आ। साडे सत्कारयोग भगवंत मान जी ने पहल दे आधार ते कीता भी जिहड़े विधायक साढ़े चुने गए ने उन्होंने कम करने आ, महल्ले वाइज जाके वार्डां दे विच जाके कम देखणे ने, ना कि पहलां वालियां पार्टियां वांगू चंडीगढ़ जाके बैठना। सो उन्हां जिहड़े लोग जिहड़े कहिंदे सीगे भी दो ट्रैक्टर एक अनाट गैरा खड़ा है एक आसा खड़ा है, आसे ते कपड़ा मारन दा की फायदा, लोगों ने फतवा दिता और आसे ते जिहड़ा कपड़ा मारिया वो सानूं अज दिखाई दिंदा है। और तहे दिलों धन्नवाद सीनियर लीडरशिप का जिन्होंने सानूं कैबिनेट मंत्री दिता है, डॉक्टर विजय सिंगला जी एक समाज सेवी ने और पढ़े लिखे इंसान ने, और पहल दे आधार ते साडे हल्के दे कम होणगे जी। पहली बार होया किसी मुख्यमंत्री ने खटखट कलां दे विच जाके सौं चुकी है ते ना करने शुरू कर दिते ने, जिवें एंटी करप्शन की गल की जाए तो उहदे लई 23 मार्च नूं टोल फ्री नंबर जारी करन दा भी ऐलान किया गया, की लगता करप्शन नूं किन्नी नत्थ पऊगी इहदे नाल? बिल्कुल होवेगी जी, क्योंकि पहलां तो लै के साडे CM साहब ये मुद्दा उठाउंदे रहे ने, असैंबली दे विच जाके मुद्दा उठाउंदे रहे ने भी करप्शन जिहड़ी है बहुत ज़्यादा, साडे जिहड़ा हैगा 3.25 लाख करोड़ दा जिहड़ा करजा साडे पंजाब दे उत्ते चाढ़िया गया उहनूं लाउणा है, क्योंकि अज तक मंत्रियों ने जिहड़ा बनाया आपदे घर बना ले, जमीना जायदादां बना लईआं, 7-7 हज़ार बसां पा लईआं, उह साडे लोकां दा पैसा ही है। इस करके जिहड़ा है डिवेलपमेंट होऊगी साडे दा पहली मतलब जिहड़ी लीडरशिप है इस ते पूरा पूर्ण जोर ध्यान दे रही है और चंगी तरह काम होणगे जी। आम आदमी पार्टी वल्लों हैल्थ नूं लै के बड़े सवाल चुके जांदे सी, ते आउण सारी जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने हस्पतालां नूं पाई होनी चाहिए, आई कार्ड पाया होना चाहिए, लोगों को जी उ किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आनी चाहिए, किमें लगता हूँ हस्पतालों के ढांचा जो सुधर जाना गा आने वाले दिनों? देखो जी इस चीज़ के पहली बार इतिहास के रचा गया कि 2022 आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी बन के पंजाब उतरी है, बहुत बड़े फतवा लोगों ने दिता प्यार दिता है कि 92 सीटा की लीड करके असी कैबिनेट के पहुंचे हैं, पर जेडे असी प्रोमिस वादे किए हैं जिवें हैल्थ का करिए, हैल्थ का मानसा शहर के सिविल के बहुत बुरा हाल सीगा, अज तक इन रवायती पार्टियां ने हमेशा ही हर डिपार्टमेंट नू हर महकमे नू करप्शन तक रखिया, पर CM साहब ने जिद्दां ही खटकल कलां दे विच सौं चुकी है उस दिन तो सौं खा के ये कहा सीगा कि पंजाब दे विच असी करप्शन नू बिल्कुल रोक के आम लोगों तक फायदा पहुँचाना है,
पर मैं बेनती अपील भी करता आम लोगों ये इनवॉल्व असी भी हैं, साडा भी हक बनता कि असी जिहड़े करप्शन दिंदे आ असी भी उस भागीदार हाँ। कि मैं जरूर सारों बेनती करता ये कोई कल्ली आम आदमी पार्टी सीनियर लीडरशिप नहीं कर सकती, साडे आम लोगों का भी फर्ज बनता है कि असी करप्शन को रोकना है, असी किसी रिश्वत देने तो रोकना है। वो साडे लोग प्यार सत्कार के लोगों को बड़ा माण है, एक लोगों को बहुत वड्डी आस की किरण जागी है कि शायद 70 साल बाद कुछ होगा, आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाऊगी, पर असी प्रोमिस किया लोगों ने वादे किए, जिमें हैल्थ का किया, एजुकेशन का किया, मानसा डिस्ट्रिक्ट के अज तक एजुकेशन का कोई टैक्नीकल कॉलेज नहीं बन के आया। उस भी असी कैबिनेट मंत्री साहब नूं सीएम साहब नूं रिक्वेस्ट करांगे कि मानसा शहर के कोई इदां दा टैक्नीकल कॉलेज बन के आ के साडे जिहड़े बाहर जांदे। डॉक्टर साहब की जो झंडी वाली कार मानसा के आनी है तो मानसा हल्के के लोगों की पहला ही कि मंग होनी है कि इस समस्या को जो हल किया जाए पहल के आधार पर? पहली मंग तो मानसा के लोगों की ही है कि सब तो सिस्टम जो सीवर का मानसा के है, दूसरी लोगों की डिमांड सी कि आवारा पशुओं का, आवारा पशु मानसा शहर के इन्ने घूम रहे हैं कि शहर के बड़ी मुश्किल आती है, कई नौजवानों दादसे होने करके जाना भी चलिया गई आवारा पशुओं के। असी बहुत पिछले साल समाज सेवी होने करके डॉक्टर साहब ने इतनी बारहहट्टा चौंक के धरना लाया, तो कैप्टन साहब के बेटा साहब इतने रणिंदर सिंह वो प्रोमिस वादा करके गए थे कि मैं जोगे के गऊशाला कट के इन आवारा पशुओं को करूँगा, पर असी उन्होंने विश्वास पात्र के उपर उठ के असी धरना चुकया से, पर अज तक कोई साड़ी गऊशाला नहीं बनी, कोई आवारा पशुओं को ठल नहीं पाई गई। ये साड़ी सब तो बड़ी समस्या, जिहड़े आवारा पशु शहर के घूम रहे हैं बड़ी दिक्कत आती है, रेहड़ियों वालों को दिक्कत आती है, दुकानदारों को दिक्कत आती है, जिहड़े लोग बाजार के खरीदा विरोधी करन आउंदे उन्होंने बड़ी दिक्कत आती है कि आवारा पशु बड़े भिड़ रहे हैं, गंद पा रहे गलियों के, उन्होंने असी किसी जगह पर सैटल करांगे। आम आदमी पार्टी के वर्करों वालों मानसा के डॉक्टर विजय सिंगला कैबिनेट मंत्री बनाए जाने तो बाद खुशी मनाई जा रही है, लड्डू वंडे जा रहे हैं, उत्थे इन्हां वर्करां दा कहना है कि जो भी डॉक्टर विजय सिंगला मानसा के आते हैं तो उन्होंने मानसा दी जो वड्डियां समस्यावां ने उन्होंने पहल के आधार पर हल करन दी अपील की जाएगी। तो उम्मीद भी यही है कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब के मुद्दों को लेकर पंजाब के सरकार बना के उभरी है तो पंजाब दी जिहड़ियां वड्डियां समस्यावां ने उन्होंने पहल के आधार पर हल करेगी। कुलदीप धालीवाल, ईडीवी भारत, मानसा।